मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित लोगों, बाबा भीमराव अंबेडकर के सपूत, समता दल के अध्यक्ष जनाब प्रकाश सिंह अंबेडकर साहब, उम्मेद सिंह साहब, मेरे सामने मौजूद मेरे मुल्क मेरे देश के सपूतों, मेरे देश के अनमोल मोतियों, और बहुत ही खूबसूरती के साथ संचालन कर रहे चौधरी साहब, मुझे यहाँ खड़े होकर बड़ा फख्र महसूस हो रहा है, बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मैं आज एक ऐसे दल के मंच पर खड़ा होकर के काम कर रहा हूँ जिसका खून का रिश्ता भी बाबा भीमराव अंबेडकर से है और जिसके रूह का रिश्ता भी बाबा भीमराव अंबेडकर से है। वो बाबा भीमराव अंबेडकर जिसने संविधान की शक्ल में हमें एक संजीवनी दी है। मेरे दोस्तों, ये वो मकाम है जब फासिस्ट ताकतें सत्ता पर आसीन हैं और उन्होंने आप ही लोगों को बहका करके आप ही लोगों को ठगने का काम किया है। जब चुनाव का वक्त आया तो तमाम लोगों को एक देश का बना करके वोट हासिल किया और पूर्ण रूप से सत्ता हासिल कर ली, और उसके बाद उनकी नेत की खराबी को आप लोगों ने भाप लिया। तैयारी तो 50-60 साल से चल रही थी लेकिन अचानक पता नहीं उजलतबाजी में जल्दबाजी में उनसे कौन सी ऐसी भूल हो गई कि आप लोगों को पता लग गया कि संविधान के साथ विश्वासघात होने जा रहा है, आपके पेट पीठ में छुरा घोंपने का काम होने जा रहा है। मेरे दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या सरकार या बाबा साहब का संविधान दोहरे मापदंड से बनाया गया था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संविधान इस देश के लिए बनाया गया था, इस देश की मजबूती के लिए बनाया गया था, समानता के आधार पर बनाया गया था, सबके साथ मिलकर रहने के लिए बनाया गया था, हिंदुस्तान की नुमाइंदगी को पूरे मुल्क तक पहुंचाने के लिए बनाया गया था। लेकिन संकीर्ण मानसिकता के लोग ये चाहते हैं कि इस देश पर हमारा कब्जा हो जाए, इस देश को आहिस्ता आहिस्ता और इसमें बांटकर, पिछड़ा वर्ग में बांटकर, मुस्लिम में बांटकर, दलित में बांटकर, इस देश को बांट करके इस पे तानाशाही का राज स्थापित करना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, अगर मुस्लिम और दलित समाज एक हो जाता है तो इनका ये ख्वाब शर्मिंदा तावील नहीं हो सकता। आप लोगों को एक होना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, अखलाक से लेकर पहलू का खान तक और पहलू खान से लेकर काशगंज तक, क्या किसी पे रासुका लगी? क्या कोई क्या किसी पे रासुका लगी? क्या उपद्रवियों में शंभू के समर्थन पर आंदोलन का नाम लेकर हाईकोर्ट के ऊपर भगवा झंडा लहराने वालों पर रासुका लगी? क्या कोई ऐसा व्यक्ति मिला कि जो जिस पर ये इल्जाम लगता कि इन लोगों को, इन मासूम लोगों को किसने उकसाया है? ऐसा एक व्यक्ति इस सरकार को नहीं मिला। सहारनपुर के अंदर शब्बीरपुर के काम के ऊपर अगर शिव कुमार प्रधान और हमारे चंद्रशेखर जी ने आवाज उठाई तो उन पर बाजूका लगा करके उनको जेल में ठूसने का काम कर दिया गया। अब ये आगे चलने वाला नहीं है। अब हम आप लोगों को पहचान चुके हैं। मैं पैगाम लेकर के आया हूं स्वतंत्र सेनानी जिसने इस देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जिसने पाकिस्तान न जाकर हिंदुस्तान में आप लोगों के साथ रहने के लिए फैसला किया था और मुस्लिम समाज को हिंदुस्तान में रहने के लिए तैयार किया था। जनाब मौलाना हुसैन अहमद मदनी के सपुत्र भारत, भूल जाता हूँ, भूल जाता हूँ। मुझे मालूम नहीं है कि मुझे दलित कहना है या नहीं कहना है। आप लोगों के साथ रह के आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे, वक्त लगेगा।
मैं अनुसूचित जाति जनजाति का बहुत ही बहुत आभार व्यक्त करता हूं और जमीयत उलमा हिंद का पूरा समर्थन आपके साथ है। मैं देवगन से हाजिर हुआ हूं, मौलाना ने फरमाया है कि मैं बैरून मुल्क में जाने की वजह से इस प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सका, लेकिन मेरा पैगाम है, मैं शाना बशाना आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। मोहतरम जनाब प्रकाश सिंह अम्बेडकर साहब, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप 18 फरवरी, मुझे इस बात की बेहद खुशी है आप 26 फरवरी में दिल्ली के अंदर समता सैनिक दल के माध्यम से मुल्क में सब बसने वाले लोगों में प्यार और मोहब्बत कायम करने के लिए एक इज्तिमा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मुल्क के मौजूदा माहौल में एक बहुत बड़ी ज़रूरत है जिसके लिए आप हजरात कदम बढ़ा रहे हैं। मुल्क की आज़ादी के बाद से आज तक नफरत की सियासत करने वाले लोग जितना इस वक्त आज़ाद हैं इससे पहले कभी नहीं हुए। इन लोगों का मकसद मुल्क से सेकुलरिज्म ख़त्म करना और मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाकर मजहबी अकलियत को अपना ताबे बनाकर गुलाम बनाना है। इसलिए आप हजरात का सेकुलरिज्म की हिफाजत करने के लिए मेहनत करना मुल्क की बहुत बड़ी ऐसी खिदमत है जिसके बिना हमारा ये मुल्क एक नहीं रह सकता। मुझे खुद इसमें शरीक होना था लेकिन मैं बरवक्त पहले से अपनी मसरूफियत की वजह से हाजिर नहीं हो सकूंगा। मेरी नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ है। आपका भाई अरशद मदनी, सदर जमीयत उलमा हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया।